कैसे हो बच्चों? आज का लेक्चर शुरू करें। हम लोग रोगन उत्पादन नियम अध्याय पढ़ रहे थे, इसके आगे हम लोग आज के लेक्चर में देखेंगे, चीजों को बहुत अच्छे से समझेंगे। दोस्तों यहाँ पर असाध्य रोग की बात की गई है कि कौन कौन रोग जो है वो आपका असाध्य है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। दोस्तों यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि किसकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए, तो त्रिट शूला अर्थ मतलब वैसा पर्सन जिसको प्यास लगा हुआ हो, पेन हो रहा हो, तय जेता छिन वो जो छिन हो गया हो, इमेसिएटेड हो गया हो, पतला दुबला हो, या पर्सन का धातु क्षय हो गया हो। छिन कहने का मतलब हो गया धातु क्षय होना। अगर मोडर्न से कोरिलेट करना है बउआ, तो ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट्स की चिकित्सा नहीं करनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद वीड बमनम, वीड बमनम का मतलब समझिएगा बच्चों, वीड वीड मतलब होता है स्टूल, क्या होता है बच्चों स्टूल, ठीक है। और बमनम मतलब वोमिटिंग, मतलब जिस पेशेंट में स्टूल की वोमिटिंग हो रही है, ठीक है। उसके बाद बेग रोधीनम, वैसा पेशेंट जो बार बार बीमार हो जा रहा हो, बेग को रोकता हो, उसकी चिकित्सा आपको नहीं करनी चाहिए, वो असाध्य होता है, ठीक है। दोस्तों कोई दिक्कत नहीं ना बुआ, यहां से आपके क्वेश्चंस बनेंगे भी तो एमसीक्यू यही बनेगा, किस किस कंडीशन में आपको चिकित्सा नहीं करनी चाहिए अकॉर्डिंग टू भागवत। हम देखिए इन्होंने कहा रूट काउज ऑफ ऑल डिजीज, इस दुनिया का जितने भी रोग है उसका मुख्य कारण क्या है, मेन कारण क्या है, उसके बारे में हम लोग समझेंगे बउआ, ठीक है बच्चों। देखिए यहां पर बताया गया रूट काउज ऑफ ऑल डिजीज, यहां पर बताया गया रोगा सर्वे अपि जायन्ते, जितने भी रोग है उसका कारण क्या है, वेग दीरन धारणे, इट्स द एमसीक्यू क्वेश्चन, आपसे पूछा जाएगा कि दुनिया के जितने भी रोग है रोग का मुख्य कारण क्या है, तो आपको एमसीक्यू में ये ऑप्शन आएगा, ठीक है। इसमें दो वर्ड है, पहला वर्ड है बउआ वेग दीरन और दूसरा है वेग धारण। दीरन का मतलब क्या होता है, फोर्स से, दीरन फोर्सफुल्ली जिसको निकालना उसको वेग दीरन बोलते हैं, ठीक है, फोर्सफुल्ली जिसको निकालना। और वेग धारण जिसके बारे में तो आपने पढ़ ही लिया कि जिसके हम वेग को रोकेंगे उसको धारण बोलते हैं, ठीक है। निदृष्टम साधनम, निदृष्टम साधनम, निदृष्टम साधनम तत्र भूष्टम ये तु तान प्रति, ठीक है। तो जो भी कॉमन कारण है उस सब के वजह से क्या होता है, ततस्य अनेकधा प्राय पवना व्यत प्रकुप्यति, इन सब चीजों के वजह से जिन जनरली किसकी दूषित होती है, तो पवना, पवना मतलब होता है बउआ वायु, वायु बोल दीजिए या बात, कौन दूषित होता है बच्चों, बात दूषित होती है, ठीक है। अब जो इसकी जो चिकित्सा कैसे करना है, तो अन्नपान औषध, ठीक है, अन्नपान औषध तस्य युज्यति तातो अनुलोमनम, ऐसा अन्नपान का सेवन करना है या ऐसा औषध औषध का सेवन करना है जो वाता अनुलोमन करे। तो देखिए वात का समन कौन कौन रस करता है, तो मधुर अम्ल और लवण रस। तो जो भी औषधि आप दीजिएगा या आहार दीजिएगा किसी भी पेशेंट को, उसमें आपका मधुर रस होना चाहिए, अम्ल रस होना चाहिए और लवण रस होना चाहिए, होना चाहिए ना बच्चों। आगे देख लीजिए धारणीय वेग, वैसा वेग जिसका धारण करना चाहिए, जिसको रोकना चाहिए, ठीक है। धार्येतु सदा वेगान, ठीक है, धार्येतु सदा वेगान हितस्य प्रत्यचेह च, वैसा पर्सन जो अपने लिए कल्याणकारी सोचता हो, अपने लिए फायदेमंद हो, तो इन सब वेग का धारण करना उनके लिए फायदेमंद होता है, चाहे वो लोक हो या प्रलोक हो। लोभ इस्या द्वेष, धारण का मतलब रोकना, रोकना लोभ नहीं करना, नेगेटिव सेंस में लेना है, नहीं करना आपको लोभ नहीं करना है, इस्या नहीं करना है, द्वेष नहीं करना। मात्र सारी ये एक नया वर्ड आया है, लोभ तो आप सबको पता है ग्रीड होता है, इस्या एनवी, ठीक है, द्वेष जलन रखना, हेटर्ड जल, ठीक है। और मात्सर्य का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, जैसे कोई आदमी दुखी है तो उसको दुखी देख करके खुश होना, उसको मात्सर्य बोलते हैं, ठीक है बच्चों। मात्सर्य राग आदि नाम, और राग मतलब कि किसी से बहुत ज्यादा लगाव होना, ठीक है, अनलॉफुल अट्रैक्शन होना। जीते इंद्रिया, और इंद्रिया पे विजय प्राप्त करना होगा, इंद्रिया पे जो आपकी इंद्रिया है उस पर कंट्रोल रखना होगा, अगर आप खुद को हेल्दी रखना चाहते हैं तो यही ये सब वेग को धारण करना होगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद यहाँ बताएगा शोधन पंचकर्मा, प्यूरिफिकेशन प्रोसीड्यूर और टाइमिंग की बात कहा है यहाँ पर, कि किस किस टाइम पे आपको करनी है पंचकर्मा, ठीक है। यथेत च यथा कालम मला नाम शोधनम प्रति,
जो मल का जो शोधन करना है आपको, वो जैसे ही आया बॉडी में उसी समय उसका शोधन कर दीजिए। जैसे अभी मान लीजिए वात पित्त कफ है, वात पित्त और कफ ये तीन दोष है, ठीक है दोस्तों, ये तीन दोष है, ठीक है। अब एक जगह आचार्य ने यूज कर दिया सम धातु में, ऐसा कर दिया सम धातु निंदा दो ही दोष जा, फर्स्ट चैप्टर में बोल दिया है, तो वहां पर सम धातु इस रेफरेंस में बोला है, ठीक है। लेकिन दोष आपका कितने हैं, तीन दोष है, वात पित्त और कफ। तो जो वात पित्त और कफ ये तीनों दोष अगर आपका दूषित होगा दोस्तों, तो जैसे ही दूषित होगा वैसे ही यथा कालम तुरंत, इमिडिएटली, यथा कालम मतलब तुरंत जिस समय आया उसी समय आपको क्या करना है, उस दोष का शोधन कर देना है। क्या करना है बउआ, उस दोष का इमिडिएटली शोधन कर देना है, ठीक है। प्रतियत्ति अर्थ संचिता अस्ते ही क्रोधा, अगर वो संचित हो जाएगा तो सयोजीवितम छिद्र, मृत्यु तक पहुंच सकती है, यानी कि जीवन भी जा सकती है, ठीक है। तो वो श्लोक आप याद करो ना करो, ये श्लोक आप याद कर लो, क्योंकि ये श्लोक आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और पंचकर्मा में आपको ये श्लोक बहुत ही काम आएगा। ऊपर वाला श्लोक भी पंचकर्मा में आपको काम आएगा। दोषा कदाचित कुपयंती, दोष जो है जैसे ही कुपित होता है, जीता लंघन पाचन, मतलब कि अगर लंघन और पाचन चिकित्सा कीजिएगा ना बच्चों, तो दोष फिर से कुपित हो सकती है। कदाचित मतलब इन जनरल, हो सकता है इन फ्यूचर हो सकता है। तो दोषा कदाचित कुपयंती जिंता जीता लंघन पाचन, अगर आप लंघन पाचन, यानी कि लंघन पाचन मतलब समन चिकित्सा कीजिएगा ना बउआ, तो समन चिकित्सा कीजिएगा तो दोष जो है वो कुपित तो जरूर होगा, प्रकुपित तो जरूर होगा दोष, अगर आप सेवन कीजिएगा तो, ठीक है। ये तो संशोधनम शुद्धा न तेसा पुनरुद्भव, ठीक है, ये तो संशोधनम, लेकिन अगर आप संशोधन चिकित्सा करते हैं तो वो रोग शुद्ध हो जाती है, न तेसा पुनर्उद्भव, वो फिर से उद्भव नहीं होगा, फिर से स्टार्ट नहीं होगा, फिर से नहीं आएगा, वो रोग नहीं होगा, समझ गए दोस्तों, ठीक है। उसके बाद ही पता है, ये श्लोक भी आप याद कर सकते हो, रसायन बाजीकरण अध्याय में भी यूज होती है, ठीक है। यथा कर्म यथा योग मत उधर्व प्रायोजित रसायनानि सिद्धानि वृष्यम युगाश्च कालवित, जैसे ही आप किसी पेशेंट का शोधन चिकित्सा कर देते हो तो रसायन और वाजीकरण द्रव्य दे सकते हो, चिकित्सा दे सकते हो। एक इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूँ बच्चों, आप सबको पता होगा सबसे ज्यादा पेशेंट जो है रसायन वाजीकरण का भी बहुत ज्यादा पेशेंट मिलता है, और एक सब दिन मिलता है, आयुर्वेद में इसकी मेडिसिन है और कहीं नहीं है, और कहीं है भी तो टेम्पोररी है, फॉर द टेम्पोररी रिजल्ट, परमानेंट रिजल्ट के लिए हमारे आयुर्वेद में ही है। तो ऐसे कंडीशन में किसी भी पेशेंट्स को अगर देते हो, स्पर्म काउंट कम है, पोटेंसी कम है, इवन प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रहा है, तो वैसे कंडीशन में पहले शोधन कराइए, और शोधन करा करके तब रसायन औषधि यूज कीजिए, आपको पेशेंट को बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। वैसा पेशेंट जो पंचकर्मा ट्रीटमेंट में जाने के बाद अगर थका हुआ महसूस करेगा तो उसको कैसा क्या खिलाना चाहिए, क्या क्या देना है, इसके बारे में बात करते हैं। भेषज छपीते पथ्यम आहारम ब्रीहिनम करवात, ठीक है, पेशेंट को क्या करना है, भेषज को ब्रीहन आहार, पथ्य आहार देना है, ब्रीहन आहार देना है कर्मात सीक्वेंस में, ठीक है। साली षष्ठी का गोधूम, षष्ठी साली देनी है, षष्ठी साली मतलब वैसा चावल जो 60 दिन में पकता हो, ठीक, पकता मतलब प्रिपेयर होता हो, धान बनता हो, पकता हो, ये पकने वाला खाने वाला पकना नहीं, षष्ठी साली का गोधूम, गेहूं को बोलते हैं मुग्ध, मुग्ध मतलब मूंग होती है, मांस घृत आदि भी, ये सब आप पिला सकते हो। हृदय, हृदय मतलब कार्डियक टॉनिक जो द्रव्य है, जैसे कि आपका अर्जुन वगैरह हो गया, अर्जुन छिरपाक वगैरह दे सकते हो, ठीक है। हृदय दीपनम भेषज, जो दीपन करता हो वैसे औषध को देना है। संयोग दूप चीपकता सभ्य सभ्यंग उदावर्तनम, अभ्यंग कराना है पेशेंट का, उदावर्तन कराना है। अभ्यंग क्या होते हैं, वाइल मसाज करते हैं बॉडी को हेयर फोलिकल के डायरेक्शन में, उदावर्तन में क्या होता है, हेयर फोलिकल के ऑपोजिट डायरेक्शन में, दूसरे चैप्टर में मैंने पढ़ाया था दिनचर्या में, उसमें दो टाइप बताया था उदावर्तन का, ठीक है। मैंने बोला था कि आपको पंचकर्मा में जब फोर्थ ईयर में जाओगे तब वहां पर पढ़ने को मिलेगा उदावर्तन के दो टाइप, क्या क्या था, उत्सादन और दूसरा क्या था बउआ, उद्घर्षण, याद है ना बाबू, है ना भैया याद। उत्सादन का मतलब क्या होता है बच्चों, जो जो
जो चूर्ण से मसाज करते थे उसमें थोड़ा सा सनेह यानी वाइल मिला देते थे, और उद्घर्षण में कोई भी वाइल नहीं मिलाते थे। बच्चों समझ में आ रहा है बाबू? चलो आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, तथा स लभते सर्व सर्व पाक पाटवम धीवर इंद्रिया विमल्य वृष्णा दीर्घम आयुषम। जो भी पर्सन ये सारा चीज का पालन करता है उसकी जो लाइफ होगी हेल्थ को गेन करेगा। सर्व पाक पाटव धी वर्ण इंद्रिया और धी वर्ण इंद्रिया वगैरह सब अच्छा होगा। बेमल्यम वृषता दीर्घम आयुषम, उनकी लाइफ स्पान बहुत लंबी होगी। अब आपके एग्जाम में आगंतुक रोग पूछा ही जाता है, नीच और आगंतुक रोग आपसे पूछा जाता है। इसको पहले यहां पर देख लीजिए, इसको समझ लीजिए कि नीच और आगंतुक क्या होता है। नीच कहता है कि ये किसका संपत्ति है भैया, तो बोलता है कि नीच संपत्ति बा, यानी कि हमारा संपत्ति है, और आगंतुक मतलब आगंतुक आने वाली संपत्ति है। समझ गए बच्चों? तो निज रोग और आगंतुक रोग समझ गए। ये भूत विष वायव अग्नि छत, मतलब ये भूत का मतलब क्या होता है आप समझिएगा, जो पैथोजेन होती है, जो आपका स्पिरिचुअल चीजें होती है, जैसे जैसे ऐसे जगह पे गए जहां पे हमें अनऑथेंटिक चीजें लगती है, तो ये भूत विष, विष मतलब क्या होता है, जो जो स्नैक बाइट वगैरह जो भी, या फिर कोई खाने वगैरह में विष वगैरह हो गया हो। वायव, वायव मतलब वायु, ठीक है ईयर, और वायव मतलब कि ईयर, ईयर से क्या इफेक्ट होगी, जैसे आंधी तूफान आ गई, आंधी तूफान आने की वजह से जो आपको नुकसान हुआ जो बॉडी में वो, या साइक्लोन वगैरह हो गया, इस सब की वजह से, ठीक है। अग्नि छत, अग्नि के वजह से, अग्नि के वजह से, अग्नि का मतलब समझ लीजिए आग लग रहा है, आग में आप जल गए हो, ठीक है। छत, छत मतलब इंजरी हो गया हो, भग्न मतलब फ्रैक्चर हो गया, आदि संभव ये सारा जो रोग है। राग द्वेष मध्यस्थ, ठीक है, राग द्वेषम्य मध्यस्थ, राग द्वेष मतलब किसी से ज्यादा लगाव होना, द्वेष करना, ये सब ते स्यारु आगंतवो गदा, ये आगंतु रोग के कारण हो गए, ठीक है दोस्तों समझ गए। हालांकि आगे भी पढ़ोगे, सर्व रोग सामान्य चिकित्सा, जितने भी रोग है उसकी जनरल ट्रीटमेंट, जितने भी डिसऑर्डर की क्या है इसको समझ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर बताया गया त्याग प्रज्ञा अपराध, ठीक है, त्याग करना है, किसका त्याग करना है बच्चों? सबसे पहले बात यहाँ पर ये उठता है कि त्याग करने के लिए कह रहा है, तो किसकी त्याग करने के लिए कहने के लिए कह रहा है, ठीक है। त्याग श्लोक याद करना होगा तो कर लेना, त्याग प्रज्ञा अपराध, जो प्रज्ञा अपराध है, जो अनइथिकल चीजें है उससे लगाव नहीं रखनी है, चाहे आपका इंद्रिय बोलना सुनना ये सारी चीजें आपको अनअथेंटिक चीज नहीं करना है। प्रज्ञा अपराधनम इंद्रिया उपशम, इंद्रिया जो है आंख से सही देखना, बोलते हैं ना गांधी जी के तीन बंदर वाला कंसेप्ट, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो, ये वाला कंसेप्ट यहाँ पर आ गया, ठीक है। अस्मृति, जो भी चीजें आप, अगर कोई भी चीज है तो जो आपको याद रखनी है, ठीक है। देश काल आत्म आदि विज्ञान, देश काल आत्म आदि विज्ञान का ध्यान रख करके सद्वृत्त से अनुवर्तनम, सद्वृत्त वगैरह का पालन करना है। अथर्व विहिता, अथर्व वेद में जो बताया गया है, शांति, शांति मतलब आप किसी से मारपीट नहीं करेंगे, लड़ाई झगड़े नहीं करेंगे, अथर्व वेद में भी कहा गया कि शांति रखिएगा तो ही आप स्वस्थ रहेंगे, तो हम लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे तो, ठीक है। उसके अलावा प्रतिकूल ग्रह अर्चनम, मतलब प्रतिकूल अगर ग्रह है तो उसकी पूजा अर्चना करनी है, ठीक है, इस सब का ध्यान रखना है। भूतध्यस्य स्पर्श निर्दिष्ट पृथक पृथक, और उसका ध्यान रख करके जो पूजा पाठ वगैरह जो कुछ भी है उसको आपको करना होगा, ठीक है। अनुत्पत्थ्य समास, अनुत्पत्थ्य समास न विधि रेशु प्रदर्शिता निजागंतु विकार नाम, ठीक है, विकार नाम उत्पनाश्च शांतय, जो निज आगंतुक रोग है ऐसे पत्थे वगैरह जैसे पाथवे वगैरह पे नहीं जाना है जहां से आगंतुक रोग वगैरह हो सके, ठीक है। तो उसके बारे में जो बताया गया उन सब चीजों का भी ध्यान रखना है, ठीक है। शोधन समय, शोधन समय क्या होता है, टाइम ऑफ पंचकर्मा ट्रीटमेंट, भाई साहब पंचकर्मा ट्रीटमेंट कब करनी चाहिए, तो यहाँ पर यह श्लोक आप याद करो, याद इसीलिए कर लो क्योंकि चिकित्सा तो करोगे बाबू, चिकित्सा करोगे तो जरूरत पड़ेगा, तो जरूरत पड़ेगा। तो शीतो उद्भव दोष संचय, ठीक है, शीतो उद्भव दोष चय मतलब शीत के काल में जो दोष का उद्भव हुआ है उस, ठीक है, जो दोष का जो क्या हुआ उद्भव हुआ है, और चय करेंगे किसमें, वसंत ऋतु में जाकर के, वसंत विशोधियन, जो दोष शीत ऋतु में जमा होना शुरू हुआ, एक्युमुलेट होना शुरू हुआ है उसका शोधन करना है वसंत ऋतु में, ठीक है। और ग्रीष्म जा अभ्रक काले,
ग्रीष्म अभ्रक काले, जो ग्रीष्म ऋतु में जमा हुआ है उसको अभ्रक काल, अभ्रक काला मतलब वर्षा ऋतु में आपको इसको शोधन करना है। ठीक है, घन अंतये वार्षिकम आशु सम्यक। देखिए घन अंतये, घन अंतये का मतलब होता है शरद ऋतु में। ठीक है, घन वार्षिकम आंसु, वार्षिकम आंसु जो वर्षा ऋतु में जमा हुआ है उसको रिलीज कब करना है, घन अंतय, घन अंतय मतलब जो आपका शरद ऋतु है उसमें बॉडी से बाहर निकालना है। सम्यक प्राप्नोति रोगानाम ऋतु जानम जातु, मतलब इस ऋतु के हिसाब से आपकी चिकित्सा करनी है। ये याद रखना, घन अंतय याद रखना, अभ्रक काल याद रखना। ठीक है दोस्तों, कि किसमें आएगा तो किसमें हम रिलीज करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन टॉपिक आता है आरोग्य हेतव, मतलब हेल्दी रखने का मेन सीक्रेट क्या है। ठीक है, तो अगर आपको हेल्दी रहना है तो उसका जो मेन सीक्रेट क्या है इसको समझिए दोस्तों। क्या है मेन सीक्रेट, नित्य रेगुलर हित आहार विहार सेवी, मतलब हितकर आहार विहार का सेवन करना है, अच्छा खाना खाना है, अच्छी लाइफ स्टाइल जीनी है, जो दिनचर्या ऋतुचर्या के बारे में बताएंगे उसको फॉलो करना है, समीक्षेकारी विषय स्वशक्तम और समीक्षा करनी है कि क्या सही है क्या गलत है, उसकी समीक्षा करके ही सेवन करना है, दाता सम सत्य पर क्षमावान आप तब से भी चवते रोग। अगर ऐसा आपको लगता है किसी को क्षमा करना है तो क्षमा कर दीजिए, सच बोलिए, ये सारी चीजों को सद्व्रत वगैरह का पालन कीजिए, आप हेल्दी रहोगे। ठीक है, तो यही हमारा टॉपिक था आज का रोगानुत्पादन नियम अध्याय। ठीक है, उतनी जरूरत नहीं है। ठीक है, और ये पूरा चैप्टर आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, यहाँ से आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन फिक्स मानो। ठीक है दोस्तों, यहीं तक लेक्चर को रखते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।